प्रदेश में भाजपा की पहली सूची आने के साथ ही अब कार्यकर्ताओं की ओर से स्थानीय प्रत्याशी की मांग भी तेज हो गई है और इसी को लेकर राजसमंद लोकसभा के भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी प्रदेश भाजपा कार्यालय जयपुर पहुंचे, जहां प्रदेश आलाकमान के सामने अपनी बात रखी और कहा कि यदि रावत समाज के किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया तो भाजपा से अपना नाता तोड़ लेंगे। और दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने कार्यकर्ता और लोगों की बात सुनी और कहा कि वो उनकी मांग को केंद्रीय नेतृत्व के सामने जरूर रखेंगे। और हमने ये तय किया है कि अगर रावत समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया तो हमें बिल्कुल किसी भी पार्टी को धूल चटाने में कोई देरी नहीं होगी। हम समाज किसी का बंदा हुआ गुलाम नहीं है और जब समाज की जब उचित अनुपातिक रूप से जब मांग की बात आती है वहां पर अगर पार्टी अगर इग्नोर करती है तो फिर उस पार्टी के प्रति निश्चित है कि निष्ठा कम होगी और निष्ठा कम होगी तो निश्चित है कि वो उसको पराजय की झेलना पड़ेगा और रावत समाज सिर्फ रावत समाज के व्यक्ति को ही वोट देगा। अगर जो पार्टी टिकट दे अगर सामने वाली पार्टी अगर टिकट दे देती है तो फिर रावत समाज उधर डाइवर्ट होने में किसी भी प्रकार से कभी कोई ऐसा महसूस नहीं करेगा कि वहाँ नहीं जाए। रावत समाज का हक बनता है, पहले हमारा एक सांसद हुआ करता था, पिछले बार से ही उन्होंने हमारा टिकट काट के अपने मन के भाव प्रकट करना कार्यकर्ताओं का काम है। हमको यही कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, इसलिए इनके मन की बात मैंने सुनी है। उस मन की बात को मैं पार्टी के मंच पर जहां ये विषय डिस्कस होना है वहां बहुत अच्छी तरह रखूंगा ताकि इनके मन की बात रखी जा सके। और मैंने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि हम किसी व्यक्ति के लिए, क्षेत्र के लिए, जाति के लिए काम नहीं करते, हम इस देश के लिए काम करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और राजसमंद का एमपी जो है वो इनके मतों से भारी बहुमत से जीते, इसके लिए सब लोग काम करें, ये मैंने उनको कहा है। और सब लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि हम काम करेंगे और हमारी बात को इनकी बात को। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।